दोस्तों, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी इसलिए कि कोचा धामन और ठाकुरगंज जैसे आरजेडी के कई सपोर्टर मुखिया आरजेडी से मुंह भंग होने के बाद अवैसी की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल। दोस्तों, जब तक मैं इस खबर को विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूँ, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सदर और अमौर से विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लगातार पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। पार्टी को किशनगंज में फिर से ज़मीनी सतह पर खड़ा करने के लिए पदों में लगातार फेरबदल करते हुए नजर आ रहे हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए किशनगंज लोकसभा चुनाव इस बार किसी इम्तिहान से कम नहीं है, इसलिए कि चारों बागी विधायकों को जवाब देना है कि तुम अपने बलबूते पर विधायक नहीं बने हो, बल्कि असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बलबूते पर विधायक बने हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किशनगंज के कोचा धामन और ठाकुरगंज के कई मुखिया और उनके सपोर्टर बीते रात मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब के मौजूदगी में पार्टी के सदस्यता लेकर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किए हैं। दोस्तों, आप तस्वीर के ज़रिए से देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब इन तमाम लोगों को मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल करवा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी लोग आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस से सताए हुए हैं, वो सभी लोग धीरे धीरे असदुद्दीन अवैसी साहब के नीतियों को समझकर और उनकी पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जानने के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अपना राय कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बतलाइए। क्या मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन धीरे धीरे बिहार में अपना पैर पसार रही है या नहीं? दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों, मैं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी मुतालिक हर छोटी बड़ी खबर इस चैनल पर अपलोड करता हूं। बड़ी आसानी के साथ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर खबर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।